एक बेली डांस। इस डांस में डांसर के शरीर का हर हिस्सा हरकत करता नजर आता है, जिसमें कमर, कंधे, छाती, पेट आदि को अलग दिखाना जरूरी होता है। यहाँ डांस में कूल्हे का उपयोग आमतौर पर सबसे अधिक किया जाता है। कूल्हे या छाती का गोल गोल या अदल बदल कर घुमाने के अंदाज दिखाई देना जरूरी होता है। कई देशों में ये डांस काफी पॉपुलर है। दो, हिप हॉप डांस, जिसमें बांह, हाथ और कलाइयों का विशेष प्रयोग किया जाता है। हिप हॉप संस्कृति का भाग है। इनमें विभिन्न तरह की शैलियां, विशेष रूप से ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग शामिल है, जिसका विकास 1970 में अश्वेत और लैटिनो अमरीकियों ने किया था। हिप हॉप नृत्य ज्यादातर फ्री स्टाइल, तात्कालिक प्रदर्शन प्रकृति का होने की वजह से अन्य डांस शैलियों से अलग है, और हिप हॉप नर्तक या नृत्य औपचारिक या अनौपचारिक फ्री स्टाइल डांस प्रतियोगिताओं में मुकाबला करते हैं। तीन, टैप डांस। यह एक तपाहट प्रणाली की डांस विधि है। यह एक डांस करने ऐसा तरीका है जिसमें डांस करने वाले के जूतों को वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग करते हुए फर्श पर थपथपाहट कर इस नृत्य की ओर ध्यान आकर्षण करने पर जोर दिया जाता है। टैप नृत्य में रिदम, लयबद्ध और ब्रॉडवे टैप दो प्रकारों से किया जाता है, जहां रिदम टैप में संगीत की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और ब्रॉडवे टैप में नृत्य की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दो, कैबरे डांस। एक ऐसा डांस जो दुनिया भर के रेस्तराओं और कैबरे में किया जाता है, जो पश्चिमी देशों के लोगों में कहीं अधिक जाना जाता है। सामान्यतः महिला नर्तकियों द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है। पांच, बॉलरूम डांस। अपने साथी के साथ किया जाने वाला डांस है, जिसे दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। हल्की लाइट म्यूजिक में यह डांस बेहद आकर्षक दिखता है। इसमें साल्सा, रूम्बा, सांबा, कैसिनो और बकावी को मिक्स भी किया जा सकता है। आमतौर पर बॉलरूम डांस अपने साथी के साथ एक दूसरे की बाहों में किया जाता है। बॉलरूम नृत्य के दो मुख्य शैलियों हैं, अमेरिकी शैली और अंतर्राष्ट्रीय शैली। छह, ब्रेक डांस। ब्रेक डांस बी बॉय, जिसे ब्रेक डांस के नाम से जाना जाता है, सड़क डांस की एक लोकप्रिय शैली है, जिसकी रचना और विकास अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के मध्य हिप हॉप संस्कृति, सड़क संस्कृति के एक भाग के रूप में हुआ और बाद में यह न्यूयॉर्क शहर के लैटिन युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। इस डांस के चार प्रमुख तत्व है, टॉप रॉक, डाउन रॉक, पावर मूव और फ्रीज। सुसाइड, यह डांस हिप हॉप और अन्य शैलियों के संगीत दोनों के साथ किया जाता है। संगीतमय ब्रेक को लंबा करने के लिए जिन्हें रिमिक्स किया जाता है, इस डांस का अभ्यास करने वाले कलाकारों को बी बॉय, बी गर्ल या ब्रेकर के नाम से संबोधित किया जाता है। सात, देशी लोक नृत्य। यह एक ऐसा लोक डांस है जिसे सभी उम्र के महिला पुरुषों द्वारा सामाजिक तौर पर किया जाता है, जिसे विशेष रूप से मध्य पूर्वी देशों में शादी ब्याह जैसे समारोहों के मौकों पर किया जाता है।